सफ़र की एक और सुबह, खूबसूरत इतनी कि एक पल मंजिल की चाहत ख़त्म हो जाए। ये बर्फ़ से ढके पहाड़, गुनगुनाती धूप, ठंडी हवाएं, खूबसूरत रास्ते, और इनके बीच बसी है इस सफ़र की नई मंजिल, की मॉनेस्ट्री। गुड मॉर्निंग फ्रॉम की मॉनेस्ट्री। फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं। बहुत ही बढ़िया मॉनेस्ट्री है। अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं। काजा से सुबह 6 बजे निकले हैं, क्योंकि यार आज का जो दिन है बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है हमें। पता चला है कि मॉनेस्ट्री ओपन है, सो गुड न्यूज़ है कि हाँ थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर पाएंगे और आपको दिखा पाएंगे। और रही काजा की बात, हमने अपनी कार में स्टे किया रात को, मजा आ गया, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। मुझे लगता है कोई शर्माती जितने मैं तो, तू शर्माता मैं था यार। शर्मा नहीं रहा भाई, फिर टैनिंग बहुत हो रखी है यार भाई, धूप में था मैं कल। और भाई कि रिक्शा चला रहा था क्या धूप में यहां पे? हां रिक्शा चला रहा था मेरा पे, मैंने यहां पे बिजनेस खोला है काजा में। हां बैटरी वाला है, 10 रुपए सवारी, 10 रुपए सवारी, हल्की आवारी, काजा से लेके कीप की मॉनेटरी बिना रुके नॉन स्टॉप। हाँ एक चीज़ और देखते हैं, मॉनेस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ये है क्या। मॉनेस्ट्री लुक्स लाइक अ फोर्ट विद टेंपल्स बिल्ट ऑन टॉप ऑफ वन ऑफ द वॉक्स ऑफ द मॉन्स आर कवर्ड विद पेंटिंग्स एंड मुरल्स। बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, आप पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं पढ़ने लग गया तो पूरा व्लॉग इसी में निकल जाएगा। ठीक है जी, ओके जी, चलो की मॉनेस्ट्री देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। दिस इज़ अ की गोम्पा प्रेयर हॉल एंड दिस इज वाटर रिफिल पॉइंट। मतलब कैमरा अंदर अलाउड नहीं है टेम्पल में, सो पहले प्रेयर कर लेते हैं फिर उसके बाद आपसे कनेक्ट होते हैं। सो फाइनली रीच की मॉनेस्ट्री एट टॉप। भाई साहब क्या पॉजिटिव वाइब्स यहाँ की हैं। देखो टेंपल का हम इनसाइड का खुद नहीं दिखाना चाहते थे, क्योंकि हम रिस्पेक्ट करते हैं रिलीजन की, ठीक है, इसलिए अंदर वैसे भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती हर कहीं। सो हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें प्राइवेट रहे तो अच्छा है। बड़ी है कि हम मॉनेस्ट्री का आउटर फेस आपको दिखा सकते हैं। उस टाइम का ना तो वी डिसाइड टू गो कीपर राइट नाउ। सो यहाँ से निकलते हैं, और हाँ नीचे एक कैफ़े है की मॉनेस्ट्री के पास ही, वहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं फिर उसके बाद कीपर जाएंगे। चलो मिलते हैं वहीं पर, ओके जी। ये वाला कैफे है? यही है भाई, नोरेंग कैफे। यू सर्व इंडियन चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड। अभी 5 मिनट गिनती की गिन रहा हूँ, इसने बोलनी है कि चीज वो सबको पता है। आप भी तो चिल्ड वाली स्प्रेड। कल इस बंदे ने हमें इतनी आस दी कि भाई यहाँ चलेंगे, वहाँ चलेंगे, यहाँ करेंगे, वो करेंगे, मैं इतनी चीज़ें कवर कर दूंगा, 300 किलोमीटर काट दूंगा। आस दे के घास दे दी इसने हमें, कुछ नहीं किया।
ये गांव, ये गलियां, ये रास्ते, और इनके बीच बसा ये छोटा सा गांव किब्बर। कहते हैं ना, किसी के लिए ये छोटी दुनिया भी बहुत है और किसी के लिए पूरी दुनिया भी कम। फाइनली किब्बर तो पहुंच चुके हैं। एक विलेज है, ज्यादा कुछ घूमने को नहीं है, बट विंटेज होम स्टे लाइक होम। ऐसे होम स्टे और एक छोटी सी ऊपर मॉनेस्ट्री है ऊपर बस। यहाँ बेसिकली मोनेस्ट्रीज ही हैं घूमने के लिए, जो भी है। 18,000 फीट पे किब्बर विलेज है। पहले वैसे ये हाईएस्ट विलेज बोला जाता था, मतलब उससे ऊपर है, बट उसके बाद कॉमिक हो गया। पहले यही था हाईएस्ट विलेज, बट उसके बाद कॉमिक हो गया। भाई भाई, हम तू तो ब्लॉग में सो रहा जा रही तो यार बंदा कैप्टन तो करवा देगा भाई साहब। कैमरे में हम आने रहे किब्बर आ गया भाई, किब्बर जीरो। फाइनली किब्बर तो पहुंच गए। पर यहाँ कुछ है नहीं ऐसा कुछ देखने के लिए यार। मॉनेस्ट्रीज हैं, विलेज है। आगे तो इतना खतरनाक कंस्ट्रक्शन हो रखा है, गाड़ी फंस जाती है हमारी, दिक्कत हो जाती है। कौन कहता है कि आजकल का ज़माना सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ही रह गया है। कभी आओ वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे और लिख दो अपने मन की बात। हम जा रहे हैं इंडिया के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस प्लेस। ये उसी नाम को पढ़ रहे हैं। वो है हिक्किम में। बहुत ऊपर आ गए, बहुत गलत ले आए, बहुत गलत ले आए। हिक्किम फाइनली गिरीश, बस यही पहुंचना था। 1,057 फीट। मजाक चल रहा है क्या? कौन सा ले रहे हो भाई? ये स्टिकर्स हैं, आप स्टिकर्स ले सकते हो। कितनी? जीरो ये ले सकते हो। बाकी आगे स्टिकर्स हैं, ये भी पोस्ट कार्ड में भेज सकते हो। कतई टैनिंग एक दिन घर पे जब फुल सर्चिंग में क्या लूं भैया? ये कितने का? ये 72। पैसा किसको लिख रहा है? घर को। और घर को? और अपने आप को। अच्छा तो भाई तुम घर को? घर को बारी माता जी। ओके जी, ये दो सिलेक्ट किए मैंने पोस्ट कार्ड, एक की मोनेस्ट्री और एक लांजा, एक मॉम डैड और एक अपने लिए। चलो भाई। हाँ भाई क्या कर रहा है भाई? अब एक चिट्ठी अपने आप को लिखी है, चिट्ठी मॉम डैड को। चिराग ठाकुर पढ़ सकते हो। आई सेंड दिस पोस्टकार्ड टू मी बिकॉज आई लव माई सेल्फ टू चिराग ठाकुर। ओह माय गॉड भाई, ये तो जरूरी है। देखो यार, और एक मॉम डैड के लिए। हाँ जल्दी लिख लो। तू क्या कर रहा है? नकारा पेन की वेट। अरे भाई पेन कहाँ लिख दिया? लिख दियो, दिखाएंगे नहीं। दिखाएंगे नहीं, ये देखो। आई एम जपनदीप सिंह, योर सिंसियरली सन, योर लवली सन। ओके, मैंने अपनी तरफ से जोड़ लिया यार। सिंसियरली तो है ही नहीं ना, मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया भाई। ये देखो हमारा, देखो जब देख लो मैंने क्या। मिस्टर मेहता जी कहाँ लिखा जा रहा है ये? अपनी मम्मी को लिख रहा हूँ। और दूसरा? अपने पापा को। पक्का एक साथ नहीं आते क्या? एक दूसरे के दिल में रहते हैं। एक मैं लिख दो, मैं तो सच सच बताओ किसको? भाई तुम दोनों तो एक ही पोस्ट कार्ड ले लेते यार, तुम दो क्यों लिए? वो देखो तुम दोनों तो एक ही यूनिट हो। आदि मानव वो देखिए धमाल। मेहता जी मेहता को लिखना दो बस। ग्रंथ लिख रहे हैं, ग्रंथ लिख रहे हैं सच्चे दिल से। अब मैं समझ गया सारे राज जब करके ये फेल क्यों होता था। ये हमारा ईशान नंद किशोर अवस्थी की राइटिंग ऐसी है। ये कहीं और जा रहा है, भी कहीं और जा रहा है। देखो सही है ईशान पेन। हां देखिए कटिंग भी कर दी, कटिंग भी कर दी पोस्ट कार्ड में।
वड़के फर्रे फर्रे बना रखे थे इसने इसके भी ईशान चलो 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 भाई पेज नंबर 4 पैराग्राफ 3 लाइन नंबर 3 रीड अब जो यहां पे एक लेटर लिखा जा रहा है क्या ब्रदर I am writing this letter from the highest post office to my heart. चले जाओ ईशानंद किशोर अवस्थी जाया से बताओ इसको स्टोरी सारी बताऊं स्टोरी है बस अब ये जो पोस्ट है बस हमें नीचे जाके पोस्ट ऑफिस में डालने हैं वहाँ लगेगी स्टैम्प और पता नहीं कब पहुँचेंगे बोलते हैं कि 15-20 दिन लग जाते हैं कम से कम इसको पहुँचने में सो नीचे मिलते हैं लगती है यहाँ से स्टैम्प लगा के फिर आप उस लेटर बॉक्स में डालोगे ऐसा लंबा प्रोसीजर है लाइन लंबी लगी हुई है यार स्टैम्प लगती है भाई यहाँ से ये अंकल जी स्टैंप लगाते हैं अच्छा हम लोगों के हैं जो नीचे एक्चुअली किसी को दिए थे तो उनके लिए भी आ जाए तू तो बुरा मान गया तूने पोस्ट पहले ही डाल दी ये वैसे शॉट के लिए है शॉट को डाल दे भाई साहब एक 5 का सिक्का भी डाल दूं साथ में जल्दी पहुंचा देना है किम को बाय बाय कहने का वक्त आ गया अब जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन 3-4 किलोमीटर दूर है बस चलो मिलते हैं आगे फाइनली जिस जगह को मैं अपनी फ़ोटोज़ में देखता था आज वो हकीकत में मेरे सामने है और इस लम्हे को मैं अपने लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता बस कुछ वक्त इस जगह को निहार सकता हूँ और कुछ मेमोरीज़ को अपने साथ रख सकता हूँ लांजा हमारी आज की डेस्टिनेशन है आज की जो हमारे और आज यार क्या ही बताएं इतना बिजी डे था हमारा मतलब इतनी सारी हमने प्लेसेस विजिट की हमें अगला हमारा डेस्टिनेशन रहेगा लोसर सो अभी फिलहाल लोसर के लिए निकल रहे हैं वैसे तो आज का हमारा प्लान था कि हम रात रात तक कुंजुम पहुंच जाए बट नॉट पॉसिबल हमने पूछा यहाँ के लोगों से उन्होंने कहा कि एटलीस्ट अगर आपको कुंजुम और चंद्र ताल घूमना है तो आपको मॉर्निंग में ही निकलना पड़ेगा क्योंकि यार रात को वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है ऊपर से ठंड इतनी हो जाती है टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है तो आप वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते और ना ही वहाँ पे कोई ऐसा कुछ होम स्टे ऑप्शन है सो वी आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क बिकॉज ऑलरेडी हमारे साथ इतनी अनहैपनिंग चीज़ें हो चुकी हैं इस ट्रिप पे सो हम और मतलब मुसीबत नहीं लेने चाहते हम चाहते हैं कि हमारी ट्रिप बिल्कुल आराम से निकल जाए सो आज के लिए इतना ही था बस ये लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना जो भी कर सकते हैं ओके साइनिंग ऑफ ये पहाड़ कभी ख़त्म क्यों नहीं होते जिस पहाड़ के पास जाओ उसके पीछे एक और पहाड़ और फिर हम जैसे लोग फिर अगले पहाड़ के लिए निकल जाते हैं सो मिलते हैं अगले सफ़र की मंजिल पर